आज सुबह एनआईए ने दिल्ली और यूपी की 17 लोकेशंस पे सर्चेस की हैं यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की एक्टिव सपोर्ट से। ये सर्चेस एक आइसिस इंस्पायर्ड मॉड्यूल जो डेवलप हो रहा था, जो बॉम्ब बनाने की एडवांस स्टेज पे थे, जिन्होंने कई वेपन्स प्रोक्योर कर लिए थे, उनके ऊपर किया गया है उस मॉड्यूल पे। इसमें 6 लोकेशंस हैं दिल्ली में सीलमपुर इलाके में, 6 लोकेशंस हैं अमरोहा में, इसके अलावा हापुड़ जिले में, लखनऊ और मेरठ में भी सर्चेस की गई हैं। इन सर्चेस के दौरान काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला है, कई वेपन्स रिकवर किए गए हैं और एक कंट्री मेड रॉकेट लॉन्चर भी रिकवर किया गया है। लगभग 7.5 लाख रुपए कैश में रिकवर किए गए हैं, 100 के आसपास मोबाइल फोन्स, 135 के आसपास सिम कार्ड्स, कई लैपटॉप, मेमोरी कार्ड्स और इस तरह की अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज की गई हैं। 16 सस्पेक्ट्स को डिटेन किया गया पूछताछ के लिए, उसमें से इनिशियल शुरुआती पूछताछ के बाद 10 लोगों को अरेस्ट करने का निर्णय लिया है हमने। बाकी जो सस्पेक्ट हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और जैसा आगे डेवलपमेंट होगा उसके हिसाब से कुछ और भी गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। सर, यूपी से कितनी गिरफ्तारी हुई, कितने लोग गिरफ्तार? इसमें से 10 में से 5 लोग यूपी से अरेस्ट हुए हैं और 5 लोग दिल्ली से अरेस्ट हुए हैं। अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से एक विदेश में बैठे हुए एक हैंडलर से ये लगातार टच में थे। अदरवाइज जो ये पूरा मॉड्यूल है इसमें जो मेन गैंग लीडर है वो मुफ्ती सोहेल है, जो दिल्ली के जाफराबाद इलाके में रहता है, लेकिन वो नेटिव है अमरोहा का और अमरोहा में एक मॉस्क में वो काम करता है और वही इस पूरे ग्रुप को डायरेक्ट कर रहा था। सर, आपने बताया कि इनके पास फोन कंट्री वाला मिला है, कई वेपन्स मिले हैं, सर आप बता पाएंगे कि इनके टारगेट पर क्या थे और वेपन्स, रॉकेट लॉन्चर जैसी चीजों को मिली कहां से? रॉकेट लॉन्चर तो उन्होंने कंट्री मेड है और 12 पिस्टल्स रिकवर हुई हैं। एक्सप्लोसिव मटेरियल के अलावा सबसे जो जरूरी बात है वो ये है कि कुछ बॉम्ब नहीं बनाने थे, बहुत सारे बॉम्ब्स बनाने थे। इनके पास 120 के आसपास तो अलार्म क्लॉक्स मिली हैं जिनको इन्होंने बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल करना था। कई बैटरीज मिली हैं और जो पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट और शुगर का पेस्ट, सल्फर, ये जो मटेरियल है लगभग अभी जो रिकवर हुआ है वो 25 किलो के आसपास है। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट, सल्फर और शुगर पेस्ट, और उसके अलावा 112 अलार्म क्लॉक्स मिली हैं, बहुत बड़ी संख्या में पाइप्स मिले हैं क्योंकि इनकी पाइप बॉम्ब बनाने की इनकी वो थी योजना थी, और काफ़ी सारा लगभग 150 राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन भी मिला है। इनके टारगेट्स जो अभी पूछताछ के दौरान और जो हमारे पास खबर है उसके हिसाब से वाइटल इंस्टॉलेशंस, कुछ सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस, इम्पॉर्टेंट पर्संस और क्राउडेड प्लेसेस। जो अभी शुरुआती जानकारी है उसके आधार पर यही कहना ठीक होगा कि दे हैड प्लान्स टू कैरी आउट टेररिस्ट अटैक्स एट वाइटल इंस्टॉलेशंस, एट सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस, सिक्योरिटी पर्सनल, सम इम्पॉर्टेंट पर्संस एंड क्राउडेड प्लेसेस।